हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैं अपने मम्मी पापा के घर गई थी और वहाँ पर उनके घर का मुझे होम डेकोर बहुत अच्छा लगा। सो मैंने सोचा कि मुझे ये पूरा होम टूर ज़रूर करना चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए। सो आज का जो वीडियो है इज़ अबाउट माय पेरेंट्स होम टूर। सो ये है हमारे घर का एक ब्यूटीफुल एंट्रेंस जहाँ पर मेरी यंगर सिस्टर ने ब्यूटीफुली इस ग्लास को पेंट किया है। उस पेंटिंग के नीचे हमने रखा है एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट जिसे स्नेक प्लांट भी कहते हैं और उसके नीचे शू रैक है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है ओपन और क्लोज करने में। एंट्रेंस के बाद सबसे पहला जो रूम है वो है लिविंग रूम विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है टीवी यूनिट और सिटिंग एरिया और दूसरा पार्ट है डाइनिंग एरिया। ये है लिविंग रूम का टीवी यूनिट एरिया जिसका पूरा फर्नीचर काफ़ी सटल कलर में बनाया गया है और ये ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करता है घर के टाइल्स और वॉल्स को। इस एरिया को ओवरक्राउडेड नहीं किया गया है और यहाँ पर स्टोरेज एरिया भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया स्टोरेज एरिया है। हालांकि घर पूरा मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया गया है लेकिन मेरे पेरेंट्स को एथनिक लुक्स और फील बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा मिनी शोकेस बनवा कर लिया है जहाँ पर उन्होंने हैंड क्राफ्टेड और हैंड डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड किए हैं। टीवी यूनिट के बाद अब चलते हैं सिटिंग एरिया की तरफ। सिटिंग एरिया बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से डिज़ाइन की गई है। वहाँ पर एक सोफ़ा है जिसे सोफ़ा कवर से कवर किया गया है और सोफे को और कंफर्ट जोन देने के लिए वहाँ पर ऐड किया गया है ये कलरफुल थ्रो पिलोज़। सिटिंग एरिया को एक कंटेम्प्रेरी लुक देने के लिए वहाँ पर ऐड किया है एक हैंडमेड पेंटिंग जिसे मेरी छोटी बहन ने बनाया है। तो ये था एक पार्ट ऑफ लिविंग रूम जो टीवी यूनिट और सिटिंग एरिया में डिवाइडेड है। अब चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। और ये है लिविंग रूम का डाइनिंग एरिया। ये जो टेबल आप देख रहे हैं वो पूरा मार्बल से बना हुआ है और टेबल के सेंटर में रखा गया है माउथ फ्रेशनर, पीने का पानी और कोस्टर। डाइनिंग टेबल के साथ यहाँ पर रखी है कंट्रास्टिंग कलर्स में चेयर, क्योंकि डाइनिंग टेबल वाइट कलर में है इसलिए यहाँ पर ब्राउन कलर्स की चेयर रखी है जो कि बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक फोकस लाइट भी लगाई गई है डाइनिंग टेबल के ऊपर जो पूरे डाइनिंग एरिया को काफ़ी लिट अप रखती है। पूरे लिविंग रूम का जो लाइटिंग पैटर्न है वो काफ़ी क्रिएटिवली डिज़ाइन किया गया है विद येलो लाइट्स, वाइट लाइट्स, LED लाइट्स एंड फोकस लाइट्स। इस ब्यूटीफुल लिविंग रूम टूर के बाद आप चलते हैं मेरे पेरेंट्स के रूम में। ये ब्यूटीफुल बालकनी है मेरे पेरेंट्स के रूम की और बालकनी के ठीक बगल में दो चेयर्स भी रखी गई हैं ताकि कंफर्टेबली बाहर का व्यू देखा जा सके और इंजॉय किया जा सके। थोड़े बहुत प्लांट्स भी लगाए गए हैं। बालकनी के ठीक बगल में एक मार्बल का मंदिर भी रखा गया है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, सो वो मंदिर उन्हीं के कमरे में रखा गया है। ये पूरे घर का जो फर्नीचर पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छे क्वालिटी का है और मेरे पेरेंट्स के जो कमरे में स्टोरेज एरिया काफ़ी अच्छा बनाया गया है। क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है यहाँ पर इस कमरे में बाथरूम भी अटैच है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। जो अगला कमरा है वो काफ़ी हैपनिंग कमरा है, वो है कमरा मेरे भाई का और काफ़ी यूनिक और क्रिएटिव कमरा है।
बालकनी के ठीक बगल में बीन बैग है, जहाँ पर मेरे ब्रदर काफ़ी इंजॉय करते हैं अपने इवनिंग्स और मॉर्निंग्स विद अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी। और बीन बैग के बगल में है उनका एक बहुत बड़ा बुक शेल्फ, बिकॉज ही लव्स रीडिंग। रूम को क्रिएटिव बनाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, और ये एरिया मेरे ब्रदर का वर्क स्टेशन भी है। तो इस वर्क स्टेशन पे यहाँ पे एक राइटिंग बोर्ड है एंड सम बेसिक स्टफ लाइक सैनिटाइजर, सेल फोन्स, सम स्टेशनरी एंड ऑफिस चेयर। और यहाँ पर मैं आपको बालकनी दिखाना चाहूँगी, काफ़ी बड़ी बालकनी है इस रूम की एंड इट्स क्वाइट स्पेशियस। और जस्ट लाइक मी, मेरे भाई को भी प्लांट्स बहुत पसंद हैं, सो उसने बहुत सारे हैंगिंग प्लांट्स रखे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और यूनिक भी। सो यहाँ पे रेस्टिंग एरिया है, और रेस्टिंग एरिया के ही बगल में कुछ सोवेनियर्स रखे गए हैं क्योंकि वो ट्रैवल बहुत करता है। और ये एक सवीनियर जो मैंने उसे गिफ्ट किया था, उसका नेम प्लेट, और साथ ही साथ एसी का रिमोट है। बेड के ऊपर एक लाइट है जो कि रीडिंग लाइट के तौर पे काम आती है रात के वक्त। पेरेंट्स के कमरे की तरह यहाँ ब्रदर के भी कमरे में काफ़ी अच्छा स्टोरेज बनाया गया है। फर्नीचर के जो कलर्स हैं काफ़ी सटल हैं, वुड को यूज़ किया गया है, अच्छे क्वालिटी के वुड को। लिविंग रूम और बेडरूम्स के टूर के बाद अब चलते हैं किचन। किचन में एंट्री लेते ही सबसे पहले पड़ता है फ्रिज, जिसके ऊपर ढेर सारे फ्रिज मैग्नेट्स लगाए हुए हैं जहाँ जहाँ भी मेरी फैमिली ने ट्रैवल किया है। और फ्रिज के बगल में पूरे गैस का सेटअप है विद गैस चिमनी। पर एवरी फैमिली किचन बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेस होता है, और वहाँ पे स्टोरेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किचन सबसे कन्वीनियंट एरिया होना चाहिए। सो मेरी मम्मी ने बहुत ही ब्यूटीफुली किचन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज बनाया है, और किचन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रखा है उन्होंने, आप देख सकते हैं। और फ्रिज के ठीक अपोजिट में यहाँ पर सारी कटलेरीज रखी गई है, और कुछ चाय के कप्स हैं। तो आइडियली मम्मी के घर का जो किचन है काफ़ी वेल फर्निश्ड है, काफ़ी हाइजीनिक है, काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है। सो आई थिंक मुझे बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा मेरी मॉम से। किचन से बाहर निकलते ही सामने एक और बाथरूम है, यहाँ पे हैंड वॉश रखा गया है, और ऊपर की तरफ फेस वॉश, शैम्पूज एंड बॉडी वॉश। और ये जो बाथरूम है ये कॉमन बाथरूम है, सभी फैमिली मेम्बर्स इसे यूज़ करते हैं, और इवन कभी कभी जो रिलेटिव्स और गेस्ट आते हैं वो भी यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे पेरेंट्स का होम टूर। अगर वीडियो पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।